Phone Fix Hyderabad, a professional mobile repair training center, and ISO 9001 to 2015. हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो आपका टॉपिक है अनलॉक टूल के ऊपर है, जो कि अनलॉक टूल के अंदर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि अनलॉक टूल आपको क्यों लेना है, क्या उसके रीज़न है, क्या आपके उसके फ़ायदे क्या है, आपको लेंगे तो किस तरह लेना है, और इसके कंपैरिजन में जो बाकी के डोंगल्स है, टूल्स है, तो इसके अलावा हमें इतने सारे जो मार्केट में देखने मिल रहे हैं टूल्स, डोंगल, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे चीज़ें हमें लेना है या नहीं लेना है, तो ये अनलॉक टूल के जरिए से हम बताएंगे कि आपको कि बाकी सारे जो टूल्स में और अनलॉक टूल में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या इसमें आपको अनलॉक टूल के अंदर क्या खास है, क्या नहीं है, लेना है या नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसे कि अनलॉक टूल एक ऑनलाइन वाला सर्वर वाला टूल होता है, जिसको आईडी और पासवर्ड के लॉगिन करने से आपको चलाना होता है, ना उसका कोई डोंगल होता है, ना कोई बॉक्स होता है, ना कोई उसको पीके वगैरह कोई इस पे चलता है, वो ऑनलाइन सर्वर से चलता है, जो कि उसको नेट की ज़रूरत होती है और आपको एक्टिवेशन करवाना होता है 1 ईयर, या आपको थ्री मंथ्स या 6 मंथ या 1 ईयर के लिए आपको 3 तरह के पैकेज मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे लेके चलेंगे, जैसे कि unlocktool.net। तो ये अनलॉक टूल का एक वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ सब देख सकते हैं unlocktool.net। ये उसका इंटरफेस है, जो कि इसका टूल का इंटरफेस देखने मिलेगा आपको सामने, और साथ ही साथ यहाँ पे मॉडल भी आपको बताएंगे, MIK मॉडल सपोर्ट, अनलॉक बूट लोडर के इतने सारे मॉडल वो अनलॉक बूट लोडर कर सकता है, और नीचे साथ ही साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा देखने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टेड मॉडल्स, मतलब इसमें आपको मॉडल्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कितने टाइप के ब्रांड मॉडल्स यहाँ पे, ये सारे मॉडल्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि MI के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे MI की लिस्ट आ गई है आपके सामने, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेना, यहाँ से स्टार्टिंग से देखो Xiaomi MI6, जो कि स्नैपड्रैगन 835 का लेटेस्ट प्रोसेसर है, और यहाँ पे MI8 जो मॉडल है स्नैपड्रैगन 845, तो ये भी हमारा एक लेटेस्ट CPU है, जो कि इसमें यहाँ पे क्या क्या कर सकता है उसके सामने आप देख सकते हैं, इरेज FRP, अनलॉक बूटलोडर, फैक्ट्री रिसेट, ऑथ फ्लैश, रिसेट MI क्लाउड 2, वाइप EFS, बैकअप EFS, रिस्टोर EFS, डिजेबल OTA, फाइल रिमूव MI क्लाउड, ये सारे ऑप्शन ये बता रहा है कि ये वर्क कर सकता है इसके साथ में। तो जैसे कि ऑथ फ्लैश, आप सोचते हो कि ऑथ फ्लैश ये होता क्या है, जैसे कि ये कुछ फोन्स हमारे बाकी के डोंगल्स में, और जैसे कि ये UMTI या Miracle का हो गया या MRT हो गया, ये बाकी के सारे जो डोंगल्स होते थे कुछ मॉडल्स उसमें सपोर्ट ही नहीं करते थे, फ्लैशिंग में जब हमें करने जाते थे तो वहाँ पे कुछ क्रेडिट वगैरह का इशू आ जाता है, या फिर वो फ्लैशिंग में फेल्ड कर देता है, कुछ ऐसे इशू आ जा रहे थे जिसके कारण वो कर नहीं पा रहा था। तो आप हमेशा अलग अलग डोंगल्स लेते थे कि ये मॉडल उसमें सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो नया कोई डोंगल निकल जाता है, तो आप सोचते कि वो लेना है तो उसमें वो मॉडल सपोर्ट करेगा, लेकिन आज आपको अनलॉक टूल में बताऊंगा कि ये सारे मॉडल्स आपको सारे डोंगल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली अनलॉक टूल भी आप अगर आप ले लेते हैं तो ये सारे जो काम करना है पूरे काम आप अनलॉक टूल में कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टेप में, यहाँ पे नीचे आते हैं इतने सारे मॉडल्स MI के टोटल इसमें पूरे मॉडल्स इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, सारे मॉडल्स हम इसमें कर सकते हैं, इवन इसमें MMC वाले नहीं UFS वाले मॉडल भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें UFS के ये सारे UFS ही मॉडल है, जैसे कि मैं आपको ऊपर बताने वाला हूँ, ये जो हमारा MI8 और ये जो स्नैपड्रैगन 845 जो प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर ये प्रोसेसर होता है उसमें जो आपका UFS लग के होता है, तो जैसे आप यहाँ स्नैपड्रैगन CPU से भी जान सकते हैं कि 845 हमारा CPU जो होता है ये UFS सपोर्टेड होता है, तो इसमें जैसे कि UFS में हम फ्लैशिंग कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं,
जो कि यहाँ सारा आपको बताएंगे, देखो सारा नीचे मॉडल और मिलेगा देखने। ये हमारे स्नैपड्रैगन 435, 25, ये सब एमएमसी वाला मॉडल होता है। और जो स्नैपड्रैगन 845, 835, ये सारे मॉडल्स हमारे ऑनलाइन वाले और ये होते क्वालकॉम के और यूएफएस वाले होते हैं। तो ये सब इसमें सपोर्टेड मॉडल है और आप इतने सारे मॉडल इजीली यहाँ से कर सकते हैं, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, एफआरपी भी रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारे इतने मॉडल्स है, मिनिमम 100 मॉडल्स तो इसमें बता दे रहा है, 50 के ऊपर तो बता दिया है इसने, लगभग तो सारे मॉडल्स तो इसमें ऐड है। और जैसे कि इसमें बाकी में हम देखेंगे सैमसंग में भी आपको देखने मिलेगा, सैमसंग में भी सारे मॉडल इसमें ऐड है। और दूसरी बात ये है कि सैमसंग का तो फ्लैशिंग आप ओडिन से भी कर सकते हैं, बट इसमें सैमसंग ओडिन भी दिया हुआ है जो कि आप फ्लैशिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। इनेबल एडीपी, ये सारा जो होता है मैं आपको टूल ओपन करने के बाद बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मॉडल लिस्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या इसमें सपोर्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एमटी के जो मॉडल होते हैं ये सारे मॉडल्स इसमें बता रहा है। और ये हमारे कुछ मॉडल 5G वाले मॉडल होते हैं, जैसे कि MT6833 का जो कोड होता है ये सीपीयू का होता है, और ये 67 जो होता है ये हमारा 4G वाला होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा MT6833 का जो होता है ये हमारा 5G वाला मॉडल होता है, और इसमें 5G का भी मॉडल ऐड किया हुआ है लेटेस्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे MT की बाईपास है, इरेस FRP है, और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट में आपको यहाँ पे टैप दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे टेस्ट पॉइंट से हो रहा है, ये कैसा हो रहा है ये सब यहाँ पे बता रहा है, टेस्ट पॉइंट फ्लैश बता रहा है। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट में सारे मॉडल्स भी कर सकते हैं, 5G भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम का भी कर सकते हैं, क्वालकॉम का भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्नैपड्रैगन जो सैमसंग का है आप EDL मोड में कनेक्ट करके इसको FRP रिमूव कर सकते हैं, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे इतने मॉडल लिस्ट में मिल रही है देखने में, सारे मॉडल्स आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें Huawei Honor के भी मॉडल ऐड हुआ है, इतने सारे लिस्ट है कि जैसे कि Honor और Huawei के लिए हमें MRT डोंगल लेना होता था, उसमें सारे फ्लैशिंग अनलॉकिंग वगैरह होता था, बाकी इसमें नहीं होता था, सपोर्ट नहीं था। लेकिन ये सारे चीज़ें अब अनलॉक टूल के अंदर भी अवेलेबल है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। सारे मॉडल्स आप देख सकते हो, Huawei Mate 10 जो कि लेटेस्ट मॉडल है, Honor View 10 ये भी जो लेटेस्ट मॉडल है, जो कि हमारा Kirin 970 मॉडल जो कि लेटेस्ट वाला होता है, स्नैपड्रैगन 845 के साथ मतलब कंपैरिजन वाला ये सीपीयू होता है। तो ये सारे लेटेस्ट मॉडल है, P20 Pro, P30, ये सारे लेटेस्ट मॉडल हम इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्मवेयर और फाइल रिमूव, मतलब यहाँ फ्लैशिंग भी हम कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें हम FRP भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इतने सारे मॉडल्स हमें देखने मिल रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बिना टूल ओपन किए भी आपको मॉडल बता सकता हूँ कितने मॉडल में हम काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाता है डाउनलोड का, यहाँ से हम ये टूल को डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे लिंक डाउनलोड टूल, जैसे कि यहाँ पे 3 सर्वर में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक खासियत ये होती है इसकी अनलॉक टूल की, जब भी ये मतलब हर 4 दिन में, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, ये या फिर 1 दिन के अंदर भी अपडेट दे देता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये 4 तारीख का लास्ट अपडेट है, इसके पहले जो एक अपडेट आया था आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 को आया था, मतलब मिनिमम 6-7 दिन का डिफरेंस होता है। ये अनलॉक टूल के अंदर एक खासियत होती है, हर बार ये नया अपडेट देता है। तो ये अभी के अपडेट में सैमसंग का FRP आप यहाँ देख सकते हैं, फीचर्स अपडेट सैमसंग ऑल सैमसंग रिमूव FRP 1 क्लिक ऑटो इनेबल ADB विद इमरजेंसी डायलर ओपन फोन व्हेन डायलिंग *#0*#, मतलब इसमें आप बता सकते हैं कि एंड्रॉयड 6 से लेके 12 तक का ये FRP रिमूव कर सकता है। तो ये अभी का लेटेस्ट अपडेट में आया है, जो कि इसके पहले ये कभी नहीं होता था। सैमसंग में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी सारी को, ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करना हो रहा था, ऑनलाइन से FRP निकालना हो रहा था, या फिर यूट्यूब पे बाईपास करके जो इसमें जो लेटेस्ट वाले 10 और 11 में इश्यू आ रहा था, जो बाईपास नहीं हो पा रहे थे।
शील्ड अलायंस बोल के कुछ यूट्यूब बाईपास करके लोग कर रहे थे, लेकिन ये सारे चीज़ें अब खत्म हो गई है। अब यहाँ पे ये वन क्लिक में FRP रिमूव कर सकते हैं हम लोग। और चलो साथ ही साथ में मैं आपको टूल में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं टूल ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा टूल ओपन गया, यहाँ पे आपको ID और पासवर्ड लॉग इन करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताया, आप यहाँ पे 3 मंथ्स का कुछ 3 मंथ्स का आपको पैकेज 1500 से कुछ मिलता है, और 6 मंथ का अगर लेंगे तो 2000 से लेके 2100 तक का इसका कुछ चार्ज होता है, और 1 ईयर का अगर आप लेंगे तो ये मिनिमम आपका 3500 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ID वगैरह आपको लॉगिन करना है, यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ लॉगिन। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये तो आप बता रहे हो टूल के बारे में, लेकिन सर ये टूल लेना कैसा है, हमें कहाँ से लेना है, कैसे परचेस करना है? तो जैसे कि ये आप कैसे भी ले सकते हैं, जहाँ से आप UMT वगैरह जो भी अदर्स टूल्स वगैरह लेते हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर हमें भी इस कांटेक्ट करके हमारे से भी आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आपको अगर ये परचेस करना होगा तो हमसे कांटेक्ट करना, और ज़्यादातर ये आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा। आपके सबसे ट्राई कर सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले टूल ओपन हो गया है, यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलेंगे आपको देखने, MI, सैमसंग, हुआवे, ओप्पो, वीवो, म्यूजो, टेक्नो, असूस, सारे मॉडल्स इसमें ऐड है। तो यहाँ पे जैसे कि MI का टैब है, ऑलरेडी MI के फ्लैश में है, यहाँ से अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल को लोड करना होता है और यहाँ से फ्लैश करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके आप यहाँ से FRP, इरेज, फैक्ट्री रिसेट, MI क्लाउड वगैरह सारा यहाँ से आप, जैसे कि MV डाटा जो रिपेयर करना है, जैसे कि बेसबैंड अननोन हो गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ब्राउन मोड, EDL मोड में भी काम कर सकते हैं, दोनों में ये सपोर्ट करेगा। फास्ट बूट मोड में जैसे कि यहाँ पे रिकवरी, कस्टम, ये सब ये अनलॉक बूट लोडर की बात के काम होते हैं सारी चीज़ें। जैसे रिकवरी में आएंगे, रिकवरी की में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, फंक्शंस में भी देखेंगे तो यहाँ पे बाईपास ADB, MI क्लाउड, और यहाँ पे ये सब रूट करने वाला प्रोसेस होता है, जैसा कि रूट करने के बाद ये सब काम करेगा। और आगे ये देखेंगे डायग्नोस्टिक, जैसे कि यहाँ पे हमारा IMEI वाला काम होता है, सिक्योरिटी रिपेयर करना होता है, ये भी हमारा IMEI रिपेयर वाला ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकअप NV RAM, रिस्टोर NV RAM, ये सारा हमारा सिक्योरिटी रिपेयर करने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप सारे मॉडल देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग आपको इतने मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, जो कि ऑथ लिख के भी है, जो ऑथ है वो यहाँ पे फ्री में हो जाएगा फ्लैशिंग में। तो सैमसंग में अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सैमसंग में आप देखेंगे अगर आपको फ्लैशिंग अगर करना है, कोई भी मोबाइल फ्लैशिंग करना है, तो ऑडिन फ्लैश में जाके आप यहाँ से फाइल को लोड करते हैं और यहाँ से आप फ्लैशिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ से फ्लैशिंग करके आपको ओडिन मोड में डाल के या डाउनलोड मोड में डाल के आपको यहाँ से फ्लैशिंग स्टार्ट करना होता है। तो बाकी रही बात यहाँ सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन में बता रहा है कि आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं ओडिन मोड में डाल के, या फिर आपको यहाँ से सारे जो चीज़ें अगर FRP रिमूव करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट जो आया है 2022 का, तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करने के बाद बता रहा है आपको ऑन कंडीशन में FRP रिमूव करना है सैमसंग के लिए। जैसे कि सैमसंग हमारा वेलकम स्क्रीन पे होता है, जो सामने इमरजेंसी स्क्रीन बताता है, इमरजेंसी डायलर में जाके आपको बस सिंपली ये कोड डालना है *#0*#, और फोन को कनेक्ट करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे और फोन में एक पॉपअप आएगा, जो कि आपको ADB इनेबल करने के लिए ओके करना होगा। जैसे आप वहाँ पे ओके करेंगे आपका यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वन क्लिक में बाईपास आपका FRP रिमूव हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, तो ये आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे ओडिन मोड में आप यहाँ से इरेज FRP, ये जो मॉडल होता है ये 2-3 मॉडल ही सपोर्ट करेगा ओडिन मोड में करने के लिए, बाकी में अगर आप करना चाहोगे तो वो आपका फोन में एरर आ जाएगा या आपका लोगो पे स्टक हो जाएगा या फोन को ऑन नहीं करेगा, तो ये इश्यू आएगा। ये सॉफ्ट ब्रेक वो इसके लिए यहाँ पे
एक ऑप्शन भी दिया हुआ है सॉफ्ट ब्रेक फिक्स, जो कि आप इरेज करने जाते हो तो वो आपका सॉफ्ट ब्रेक पे चला जाता है, तो आप यहाँ से वन क्लिक में भी वो सारे चीज़ें कर सकते हो। और साथ ही साथ ग्रोम मोड, एडीएल मोड, जो कि हमारे अगर सीपी वाइज आप देखेंगे, जो कि सैमसंग में एमटीके भी आता है, क्वालकॉम भी आता है, स्पेक्ट्रम भी आता है, जाइनोक्स भी आता है, ये सारे सीपी होते हैं, आप सीपी वाइज भी काम कर सकते हैं। अगर ईडीएल है मतलब ईडीएल आपका क्वालकॉम में होता है और ब्रोम मतलब आपका मीडियाटेक में होता है, तो आप ये सब यहाँ से भी कर सकते हैं एफ आर पे रिमूव। तो आगे बढ़ेंगे वीवो में, आपको वीवो में लगभग सभी मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा कोई मॉडल नहीं होगा जो इसमें ऐड नहीं है, सारे मॉडल्स इसमें आपको मिल जाएंगे। और इवन अभी दो तीन दिन पुराना भी है जो कि वीवो में T1 मॉडल 5G बोल के था, वो आपको 4 तारीख के अपडेट में मिल गया है। इसके पहले वो अपडेट में मॉडल नहीं था, बहुत सारे के फोन सारे थे कि सर इसका FRP रिमूव करने वाला प्रोसेस बता दो, सर कैसे रिमूव होगा वीवो का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो T1 मॉडल भी ऐड हो गया है, जो कि लेटेस्ट है, अभी का लेटेस्ट 5G मॉडल है और ये पहले नहीं था, अब यहाँ पे वो ऐड हो गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको FRP भी और फैक्ट्री रिसेट भी करने का ऑप्शन आ गया है। और साथ ही साथ वीवो के अंदर जैसे कि डेमो वाले फोन्स होते हैं, आपको पता भी होगा जो डेमो मोड्स वाले फ़ोन आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं आपको, तो उस पर डेमो मोड में आपका सिम वर्क नहीं करता है और आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए करना है यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है रिमूव डेमो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ से आके ये इतने सारे ऑप्शन है, आप किसी में से भी यहाँ से सेकेंड वाला यूज कर लेना, यहाँ से आप उसका डेमो मोड निकाल सकते हैं और नॉर्मल फोन हमारा सिम भी वर्क करेगा और उसमें जो एडवर्टाइज वगैरह आता है वो सब बंद हो जाएगा, आप नॉर्मल फोन के जैसा यूज कर सकते हैं यहाँ से रिमूव डेमो करके। तो ये भी एक ऑप्शन इसमें ऐड है, ये हमारे ऑप्शन UMT के टूल में भी नहीं है, मिरेकल के टूल में भी नहीं है, ये सारे चीजें बाकी के टूल डोंगल्स में नहीं होता है, लेकिन अनलॉक टूल के अंदर ये सारे चीजें ऐड हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे बाकी के जो डोंगल्स है और ये टूल के मुकाबले में क्या हमें लेना है, ये बेटर रहेगा या बाकी के 4 टूल लेना बेटर रहेगा? हमें तो इतना ईजी रहे कि ये 1 टूल लेंगे, बाकी हमारा वेस्ट पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप 1 टूल के अंदर सारे मॉडल को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो चाहे FRP, फ्लैशिंग, MI अकाउंट वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है और जैसे कि यहाँ पे इतने मॉडल्स आपको देखने में मिल जाएंगे वीवो के सारे लेटेस्ट। इसमें वीवो X70 Pro 5G ये भी एक लेटेस्ट फोन है, तो हर बार जब ये अपडेट देता है लेटेस्ट में कोई ना कोई मॉडल को ऐड करते रहता है हमेशा, तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे मॉडल इसमें ऐड ही है, तो आप यहाँ से फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं और अनलॉक वगैरह कर सकते हैं इजीली। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एप्पल में भी आपको इसमें चीजें देखने मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे हेलो स्क्रीन। अब हेलो स्क्रीन बहुत सारे लोगों में इशू आ रहा था, सर एप्पल का आईक्लाउड बाईपास का इशू है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं सर इसके ऊपर भी कुछ बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनथ्रेटेड बाईपास नो MEID सिग्नल, तो ये iOS 12.0 से लेके 14.5.1 तक के लिए सपोर्ट किया हुआ है। तो ये कैसे करना है, यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जेलब्रेक करना होता है एप्पल को, और ये एप्पल आपका 5S से लेके X मॉडल तक, आईफोन 6 से लेके X मॉडल तक का सपोर्ट होता है, आप इसमें इजीली आईक्लाउड बाईपास कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ इश्यू होता है, जैसे कि MEID और IMEI वाला, जो कि MEID ग्लोबल वाला होता है, अगर आप यहाँ से उसको बाईपास कर लेंगे तो उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनथ्रेटेड बाईपास MEID तो नो सिग्नल बता रहा है, मतलब बाईपास तो हो जाएगा लेकिन नेटवर्क नहीं आएगा। और इंडियन वाला जो वर्जन होता है जिसमें MEID नहीं होता है, आप उसको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, और आपका ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट कभी नहीं निकलता, याद रखे ये बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है इसकी, तो ये परमानेंट कभी नहीं निकलता, इसको टेम्पररी होता है, आप जब भी इसको रिसेट करते हैं फिर से ये फिर से वापस आके आईक्लाउड पे खड़े हो जाता है।
तो ये आप वापस यहाँ से बाईपास कर सकते हैं आईक्लाउड में। तो ये एप्पल के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, पहले तो एप्पल के लिए EFT डोंगल लेना होता था, अब अनलॉक पुल के अंदर भी ये अपडेट आ गया है। तो आगे बढ़ेंगे फिर से हम, यहाँ पे मीडिया टेक के टूल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको MTK CPU वाला, अगर आपका ओप्पो का है, वीवो का है, कोई भी कंपनी का होगा, आप यहाँ से इजीली फ्लैश कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे ओप्पो और रियलमी के अंदर फ्लैश फाइल का नाम OFP फाइल आता है, जो कि OFP MDM टूल में, जो उनके कंपनी के टूल्स होते हैं, तो वो टूल में फ्लैश होते हैं। हमारे ये टूल में UMT में नहीं होता था, उसको हमें क्या करना होता था, एक्सट्रैक्ट करके UFI से या फिर किसी और टूल से हमें फ्लैश करना होता था। लेकिन यहाँ पे अनलॉक टूल के अंदर एक सपोर्ट ऐसा दिया है, आप MediaTek के लिए OFP फाइल डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, यहाँ से आप OFP फाइल डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फ्लैश फाइल यहाँ से लोड कर लेना है OFP फाइल को, यहाँ पे सारा फाइल्स आ जाएगा, आप यहाँ से वन क्लिक में जेनेरिक जाके यहाँ से फ्लैश को सेलेक्ट कर लो, आप फ्लैश कर सकते हैं इजीली। तो ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। और सेक्शन में आप देखेंगे ओप्पो RMX इरेज ID, ओप्पो RMX फिक्स DL, ये जो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमारा ओप्पो और रियलमी फर्स्ट लोगों पे जो स्टक हो जाता है, वहां पे एक कुछ लिख के आता है छोटे में, जो कि अनकम्प्लीटेड या DM वेरिफिकेशन फेल्ड ऐसा एक एरर आ जाता है, तो वो कस्टम फाइल का इश्यू होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कस्टम फाइल अगर नहीं डालना है तो हमें यहाँ से फिक्स DL को भी कर सकते हैं, या फिर यहां से आके आप जैसे कि पैच DM वेरीफाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है, आप यहां से वो जो कि हमारा स्टक लोगों पे स्टक खड़ा हुआ है, और ओप्पो एंड रियलमी के लिए ये आप यहां से भी उसको क्लियर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आगे देखेंगे हम, यहां से भी रिमूव डेमो ओप्पो के लिए, जैसे कि अभी तक हमने वीवो के लिए देखा था, जैसे कि आप वीवो में आप देख लिए मैंने आपको जो ऑप्शन बताया, अब यहाँ पे ओप्पो एंड RMX मतलब ओप्पो एंड रियलमी दोनों में रिमूव डेमो भी यहाँ से निकलेगा, लेकिन ये सिर्फ MediaTek के लिए है, याद रखे यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा ये MediaTek के लिए वर्क करेगा, Qualcomm के लिए नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फिर से आप देखने मिलेगा Vivo रिमूव डेमो, यहाँ से भी हमें इसका रिमूव कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे जैसे कि फिक्स करप्शन, और यहाँ पे जैसे कि MI जो करप्ट होता है, रिस्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ एरर आता है, MMC भी ओके होती है तब भी फ्लैशिंग में एरर आता है, तो विदाउट फ्लैशिंग भी आप यहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हैं फिक्स करप्शन से, यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाएगा। और आगे और देखेंगे Qualcomm के लिए, तो यहाँ से समझो जैसे कि फ्लैशिंग करना करने वाला ऑप्शन है, यहाँ से फाइल को लोड करना है, XML फाइल को लोड करना है, जो हमारे Qualcomm के अंदर आता है रो प्रोग्राम पैच जीरो एंड वो सारे फाइल हम यहाँ से भी लोड करके फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स के बारे में ना मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्या क्या करना है, और Nokia के अंदर भी आप देख सकते हैं, Nokia में भी आप अनलॉकिंग कर सकते हैं, इतने सारे मॉडल्स Nokia के भी इसमें एड हो गए हैं, जैसे कि Nokia 1, 2, 2.2, 2.1, 2.4, और इसके बाद नीचे देखेंगे 3.1, 3.+, और साथ में नीचे 5.5.1, 5.1+ भी है, 6. है, 6.1, 7, 8, 9 तक भी इसमें ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं Nokia 9 प्योर व्यू जो के लेटेस्ट अभी का मॉडल आया है, ये भी मॉडल इसमें ऐड हो गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या क्या है, जैसे कि यहाँ क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इरेज FRP एंड फैक्ट्री रिसेट हम इसमें कर सकते हैं। EDL मोड में होगा, फोन को खोलना पड़ेगा, बैक पैनल में आपको EDL टेस्ट पॉइंट निकालना होगा, और यहाँ से FRP और एंड फैक्ट्री रिसेट भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये तो बाकी के सब पुराने मॉडल हो गए, Nokia C3 वगैरह सब स्पेड्रम और CPU के, तो ये सब लेटेस्ट मॉडल भी इसमें ऐड है। आप अनलॉक टूल इसलिए लेना है कि आपको ये सारे चीजें अपडेट मिलती है, बाकी टूलों में अपडेट इतना नहीं आता है, एक एक महीना दो दो महीना वेट करना होता है तब जाके वो टूलों में अपडेट आता है। लेकिन अनलॉक टूल के अंदर खासियत ये होती है
ये हर 4 दिन में, 8 दिन में या एक दिन के अंदर भी आपको ये अपडेट दे देता है। तो ये इसका एक खासियत अच्छा होता है कि ये हमें आगे अपडेट रखता है और एक ही टूल के अंदर सारे डोंगल का काम एक ही टूल करता है। मतलब हमें मेरेकल भी लेने की जरूरत नहीं है, ना हमें योंगडी लेने की जरूरत है, ना हमें साथ में जो भी CM2 वगैरह टूल लेने की जरूरत है, कोई भी हमें डोंगल, कोई टाइप का डोंगल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनलॉक टूल एक बार ले लेंगे तो आपके लिए इश्यू खत्म हो जाएगा, फ्लैशिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो और जो बाकी के जो मॉडल हम यहाँ से नहीं कर सकते, तो सपोज वो कोई भी टूल में नहीं होगा, वो सीधा आपका UO5 और इजी अटैक में होगा। जैसे कि ओप्पो A3S, ओप्पो A5, A7, ओप्पो A5 2020, A9 2020, ये सारे मॉडल अभी भी कोई भी डोंगल में सपोर्ट नहीं आया है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें ये मॉडल क्यों नहीं है, तो वो आगे चल के हो सकता है कभी इन फ्यूचर में वो मॉडल भी ऐड हो जाए ये टूल के अंदर। तो ये टूल में आपका तो वैसे भी पैसा वसूल बहुत है, ये इतना काम करेगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक और खासियत बात ये होती है कि कुछ लोग सोचते हैं सर इसका डोंगल तो नहीं है, तो ये आईडी पासवर्ड पे चलता है। तो जैसे कि मुझे अगर ये पीसी से और किसी और पीसी में भी चलाना है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मेरे पास दूसरे के पीसी में चल रहा है, मेरे पीसी में भी अगर वही चलेगा तो कैसे होगा इसका प्रोसेस। तो आप एक ही आईडी को दूसरे पीसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइमिंग का इश्यू होता है, आप बीच में 3 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर एक पीसी में लॉगिन होके काम हो गया है और वो टूल को क्लोज कर देता है, तो उसके बाद 3 घंटा 3 आवर आपको वेट करना है, 3 आवर्स, उसके बाद आप दूसरे पीसी में डाल के वहां पे आईडी और लॉगिन पासवर्ड लॉगिन करके आप वहां पे सेम टूल ओपन कर सकते हैं। फिर वापस अगर आपको वापस इसी टूल में वापस दूसरे पीसी में चलाना है, सेम प्रोसेस, 3 घंटा वेट करना है और आपको लॉगिन करके चला सकते हैं। ये भी है, इसमें ऑप्शन अच्छा है। बहुत सारे लोगों के पास डोंगल्स नहीं होते, टूल्स नहीं होते, तो शेयरिंग वगैरह बोलते सर आप ऑनलाइन आके हमें टूल शेयरिंग करके दिखाओ, हमें हमारे पास डोंगल्स नहीं है। तो ये अनलॉक टूल में आप खुद ही कर सकते हैं ये सारे प्रोसेस। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को शेयर करना। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।